This award winner to the stage, Prime Minister Narendra Modi. तो बिल गेट्स ने जैसे ये घोषणा की, ये घोषणा करते ही लाल टोपी के पिछवाड़े से धुएं निकलने स्टार्ट हो गए। और देखिए, इस दिए गए पुरस्कार से लाल टोपी कितना परेशान हो गया है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत मजेदार है। और लेटेस्ट अपडेट सुनिए दोस्तों। उन्होंने भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात की है, लेकिन साथ ही ये भी पता है दुनिया को ये भी पता है कि 52 रोज हो चुके हैं, वहां पर कर्फ्यू है, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां की जा रही हैं। इससे पहले यूएई, बहरीन, उनसे क्या खिला करना, वो तो मुस्लिम ममालिक है, उन्होंने किया। अब बिल गेट फाउंडेशन जो सबसे ज्यादा हमदर्दी और अफ्रीका के अंदर वो बहुत ज्यादा काम करें इंसानी हकूक के हवाले से, वो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी करने वाले दरिंदे को अवार्ड दे रहे हैं। मैंने आपको यही बात बताई ना कि जहां मुसलमान का खून होता है वहां पर इनकी तमाम इखलाकियात, तमाम सियासियात और तमाम इनकी जो मोरालिटी और एथिक्स है वो दफन हो जाती है। इनसे ज्यादा मुनाफिक, इनसे ज्यादा दुश्मन और मक्कार लोग कायनात में कोई नहीं है। हम बेवकूफ हैं जो हम ये समझते हैं इनिशिएटिव शुरू हुआ है, दुश्मन इसको रोकने के लिए सर तोड़ कोशिश करेगा, वो टर्की पर भी हमला करेंगे, पाकिस्तान पर भी हमला करेंगे। जैसे हमने कहा ये सब किया जा सकता था आज से कई साल पहले, लेकिन हमारे पिछली डेमोक्रेसी ने खासतौर पर सरदारी का पीरियड गुजरा, नवाज शरीफ का गुजरा, जिनके तो फॉरन मिनिस्टर ही नहीं लगाया था, वो तो चाहते थे कि डिप्लोमेटिकली हमें आइसोलेट करें। और ये हुकूमत इतनी नई है तभी इसको अपने पैर पर खड़ी ही नहीं हो पा रही है अभी तक, वो खड़े में इसके गुजरा है, कंफ्यूज एनवायरमेंट है। और नरेंद्र मोदी जैसा एक फोकस दरिंदा इस वक्त पाकिस्तान को घेर चुका है, ट्रंप और इसराइल के साथ, पीछे अफगानिस्तान के साथ मिलकर, और पाकिस्तान के अंदर गद्दार सियासी जमात कहीं फजल रहमान हमला कर रहा है, कहीं पीटीएम हमला करने आ रही है, जरदारी और नवाज शरीफ में बगावत बर्पा करना चाह रहे हैं। अल्लाह ना करे जंग हुई इंडिया से तो आपको पाकिस्तान की गलियों में लाखों बागी नजर आएंगे जिनका ताल्लुक इन सियासी जमातों से हो, ये होने जा रहा है, नजर आ रहा है आपको के सामने। आप देखेंगे तस्वीरों में, अल्लाह ना करे अगर इंडिया ने हमला किया तो हमारी सड़कों से क्या हाल करेगी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएम, सिर्फ अपनी डकैती और चोरियां अपना माल उधर बचाने के लिए। हम बहुत देर कर चुके हैं, मैं बात कर बहुत लेट कर चुके हैं, बहुत भारी कफारा हमको अपने खून से देना पड़ेगा। अब तसल्ली हो गई पूरी कौम की जो कहती थी कौम मुत्तहिदा में जाके बात करेंगे, सारा मामला कश्मीर का हल हो जाएगा, कश्मीर का मसला तो बाद में हल होगा, अभी पाकिस्तान बचा है, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहुत हिमाकतें हो गई इज्तिमाई तौर पर, इकबाल कहते हैं कि फितरत की तामीरें बहुत। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, एक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र।